सो गाइस हूं कैसे आप रहा यू वर्ल्ड टू द फाइनली आप लोग का स्वागत है पोकेमॉन एक्स वाई जेड के एपिसोड नंबर 11 इंट्रोड्यूस हुए एपिसोड बहुत दिनों के बाद आए थे गाइस सपोर्ट करना और गाइस मेरी आवाज में तो बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि यार मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है फूलों भरा मैदान जहाँ पे हमारे हीरोज आए होते हैं और इसकी खूबसूरती को देख कर वो लोग यहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल देते हैं और सारे पोकेमॉन यहाँ पर रिलैक्स फील करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नोईपैड जो कि कहीं पर जा रहा होता है ऐसे से कहता है नोईपैड तुम ज्यादा दूर मत जाना। नोईपैड भी हमें भर देता है। फिर हमें नेट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हमें एक पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि होता है बिरोलूम जो एक फूलों का गुलदस्ता लिए होता है और उसके बगल में बीटल्स भी खड़े होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक सीन जिसमें कि नोईपैड और बिरोलूम की टक्कर हो जाती है और फिर हमें सॉन्ग दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमेशा की तरह एपिसोड का टाइटल, तो ये एपिसोड का टाइटल। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बॉनी और स्क्वीजी मस्त अपना खेल रहे होते हैं और स्क्वीजी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ दूसरी तरफ ब्रोलूम का जो फूलों का गुलदस्ता होता है नोईपैड उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है और बीटल्स और ब्रोलूम का मुँह देखने लायक होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और ब्रोलूम और बीटल्स नोईपैड पर वार करने लगते हैं और नोईपैड पर फुसफुसा पदार्थ यानी कि जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी वजह से नोईपैड की चीख इतनी कस के निकलती है कि हमारे हीरोज वो सुन लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ ब्रोलूम और बीटल्स वहाँ से चले जाते हैं घायल करके नोईपैड को और कहते हैं कि हमें तुमसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर नोईपैड बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाते हैं। तभी हमें एक पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि उधर फिलोबीट जो कि अपने अंदर से अपने फूल से एक फुसफुसा पदार्थ छोड़ता है जिसकी वजह से हमारा नोईपैड बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर हमें नेट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि नोईपैड पूरा ठीक हो जाता है और वो फिलोबीट को शुक्रिया अदा कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेट सीन जिसमें कि हमें टीम रॉकेट दिखाई जाती है। भाई साहब ये लोग यहाँ छुप कर कोई प्लान यहाँ पर कुछ देख रहे होते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि हवा का झोंका आता है एक और नोईपैड और फ्लोबीट दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर निकल जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है नेट सीन जिसमें कि ब्रोलूम उनको देख कर रो रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है क्लेमेंट जो कि कुछ सोच रहा होता है और मनी क्लेमेंट की बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती है। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रोलूम जो कि नोईपैड पर वार करने को कहता है। वो एसएन टीम को कुछ नहीं करता, वो सिर्फ नोईपैड पर वार करने को कहता है और जब नोईपैड पर वार होने वाला होता है तभी नोईपैड का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, फ्लोबिट नीचे गिर जाता है। तभी हमारा ब्रोलूम दिल पे हाथ रख के फ्लोबिट को प्रपोज कर देता है और एसएन टीम वगैरह सब लोग समझ जाते हैं कि ब्रोलूम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों होता है और बॉनी थोड़ी शर्मा भी जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है अपना फ्लोबिट जो कि ब्रोलूम पे रद्दी भर भी भाव नहीं देता है। भाई ये क्या है भाई, ये तो मजाक चल रहा है। तभी हमें नोईबोट को दिखाया जाता है जो कि एस उसको वार करने को कहता है, हमारा थर्की लौंडा यानी कि ब्रोलूम फ्लोबिट को जबरदस्ती ले जाने वाला होता है पर नोईबैट अकेले ही लड़ने पहुंच जाता है। भाई अभी तो पिटा था भाई, तू फिर से अकेले लड़ने पहुंच गया यार, क्या शरम मरम है कि नहीं। तभी एस नोईबॉट को उन पर वार करने को कहता है पर नोईबॉट गंदी तरीके से पिट रहा होता है इसे वो उनसे। फिर हमें दिखाया जाता है नेट सीन जिसमें कि एस हल्लूचा को बाहर निकालता है और हल्लूचा को बचाने को जा रहा होता है। तभी सरीना उसको रोकती है, कहती है नोईबैट की लड़ाई है तो नोईबैट की को लड़न दो। तभी नोईबैट बहुत ज़्यादा पिट रहा होता है तो पिकाचू भी आगे जाने वाला होता है। तभी हल्लूचा उसे रोक लेता है, कहता है नोईबैट की लड़ाई है, नोईबैट को खुद लड़न दो। और नोईबैट इनसे गंदी तरीके से पिट रहा होता है, तीन रॉकेट ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं और नोईबैट बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर हेल्यूचा पिकाचू और एस तीनों जन नोईपैट को बहुत ज़्यादा दिलासा दे रहे होते हैं पर नोईपैट उनके सामने नहीं टिक पा रहा होता है, सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और जब नोईपैट ख़त्म होने वाला होता है तभी हमारी फ्लोबिट बीच में आ जाती है और वो नोईपैट को मारने से मना करती है। फिर हमें दिखाया जाता है नेट सीन जिसमें कि टीम रॉकेट आ जाती है और फ्लोबिट और ब्रोलूम को पकड़ लेती है अपने एक जाल में एक साथ। अरे भाई इन दोनों को एक साथ क्यों रख दिया यार, फिर से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी इनकी। और भाई उनको ले जाने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नेट सीन जिसमें कि वो लोग उसको ले जाने लगती हैं और पूरे में धुआं धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तो वो लोग जा चुके होते हैं और नोईबैट देखता रहता है हुज डैट पोकेमॉन, ये कौन सा पोकेमॉन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
तो गाइस हमें दिखा दे नेट सीन जिसमें कि बीटल्स भी एस एंड टीम का साथ देते हैं और वो लोग क्लेमेंट पर भरोसा करते हैं। तभी क्लेमेंट अपनी एक नया आविष्कार निकालता है और इस बार क्लेमेंट खुद दावा करता है कि ये वाला आविष्कार नहीं फूटेगा। और इसमें उन लोग को सिग्नल दिखता है कि वो लोग सामने हैं, वो लोग उस सिग्नल के माफिक वहाँ पर जाने लगते हैं और यहाँ पर हमारे टीम रॉकेट पार्टी हो रही है। भैया पार्टी कर रहे हैं भाई ये। और यहाँ पर फ्लोबिट बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और क्लेमेंट की मशीन में से धुआं निकलने लगता है और ये हाल हो जाता है। भाई इसने खुद दावा दिया था कि मशीन नहीं फूटेगी। तभी नोइबेट अपना सुपर सोनिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उन्हें पता चल सके कि वो लोग कहाँ पर हैं और ये सही होता है, ये आइडिया काम कर जाता है। और यहाँ पर म्याउथ अपने गुण में होता है और जेम्स जाने कौन सा पॉकीवन बन जाता है। भाई भाई ये क्या बन गया यार। और यहाँ पर सब मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। अब इनको क्या पता कि एस एंड टीम आ चुके हैं, अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। यहाँ पर हमारा एस आ जाता है पूरी टीम को लेके और फिर अब जेम्स अपने एनके और हमेशा की तरह जैसी अपने गोरगाइस्ट को बाहर निकालती है और यहाँ पर मस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर बिल्ड्रस बहुत गंदी तरीके से पिट जाती है गोरगाइस्ट के एक ही वार से। और फिर हमें दिखा दे नेट सीन जिसमें कि पिकाचू अपना थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है, हलूचा अपना कट इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लोग बहुत डैमेज हो जाते हैं। तभी क्लेमेंट अपने लक्सरे को बाहर निकालता है और दूसरी तरफ नोइपैट लगातार वार करता जाता है पिंजरे को तोड़ने का, पर हेडबट से भी काम नहीं बनना होता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है नोइपैट। पर वो हार नहीं मानता और एस भी उसकी कोई मदद नहीं करता। और तभी नोइपैट एक नया मूव सीख जाता है एयरलेस जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर तीन रॉकेट भी उसको देखकर घबरा जाते हैं और बॉनी के तो भाई गाली लाल हो जाते हैं भाई इसकी तो जरा जरा में। और यहाँ पर हमारे ब्रोलू गुंडा भैया और फ्लोबेट हीरोइन दोनों को बचा लेते हैं और तीन रॉकेट हो जाती है फिर से हमेशा की तरह उड़न छू। और नोइपैट ने आज बहुत हिम्मत दिखाई है, पूरा एपिसोड ही नोइपैट पे बना था भाई आज का। तो फाइनली अलविदा कहने का वक्त आता है पर हमारा सख्त लौंडा यानी कि ब्रोलूम फिर से और नोइपैट की फिर से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमारी हीरोइन हवा के झोंके से जाने लगती है। यहाँ पर इतने सारे फ्लावेबे और फ्लोबिट होते हैं कि वो लोग उसके साथ जाने लगती है और हमारा सख्त लौंडा यानी कि ब्रोलूम यहाँ पर रोने लगता है भाई साहब बेचारे को। हलूचा उसको दिलासा देता है, कहता भाई छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती है। फाइनली यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना और नया एपिसोड 24 जून को आने वाला है जिसके लिए आप लोग रेडी रहना। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग एपिसोड के साथ। आज तो मेरा गला ख़राब था।